हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल डिजिट। आज हम बात करने वाले हैं गूगल क्लाउड के बारे में। गूगल क्लाउड का फ्री ट्रायल 12 मंथ्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स का फ्री एक्सेस देता है। तो इसकी हेल्प से आप अपनी कोई भी वेब एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्वर पे होस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ये आपको 1 ईयर के लिए फ्री एक्सेस देता है और ये आपको कुछ क्रेडिट्स देता है, 300 क्रेडिट्स देता है। और जो भी आप उसकी सर्विसेज यूज करोगे तो उस सर्विसेज के जो चार्जेस होते हैं वो इसी 300 में से डिडक्ट करता है। तो जैसे ही आपके ये 300 कंप्लीट हो जाएंगे या आपके 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका ये जो फ्री टायर है ये क्लोज हो जाएगा। गूगल क्लाउड की अच्छी बात ये है कि ये आपसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेता है, ना ही कोई ऑटोमेटिक पेमेंट आपके कार्ड से डिडक्ट होती है। जैसे ही आपके ये 300 क्रेडिट्स 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। आपके कार्ड में से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता है। सिर्फ आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं आपके कार्ड के ऑथेंटिकेशन के लिए 1 रुपीज डिडक्ट होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। 5 से 7 दिन के अंदर आपके कार्ड में वापस से रिफंड कर दिया जाता है और उसके बाद आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और 1 ईयर तक आप इसकी सर्विस को फ्री यूज कर सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। गूगल क्लाउड के फ्री टायर में हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे हम लोग वहां पे अपना इंस्टेंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज भी आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है cloud.google.com और फिर आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे। ये आपको लॉगिन के लिए पूछेगा तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पे सिंपली आपको टर्म्स ऑफ सर्विस सेलेक्ट करके और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपका जो भी नाम एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नीचे पेमेंट मेथड में अपने कार्ड की डिटेल देनी है। ध्यान रहे मास्टर या वीजा कार्ड ही एक्सेप्ट करता है ये। यहाँ पे आपको अपना सीवीवी नंबर डालना है, जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट होते हैं। कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे ओटीपी डाल के आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको, ये देखिए ये वापस से यहीं आ गया है। और लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये लिख रहा है थैंक्स फॉर साइनिंग अप, योर फ्री ट्रायल इंक्लूड $300 इज क्रेडिट टू स्पेंड ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इफ यू रन आउट ऑफ क्रेडिट डोंट वरी, यू वॉन्ट बी बिल्ड अनलेस यू टर्न ऑन ऑटोमेटिक बिलिंग। तो जब तक आपने ऑटोमेटिक बिलिंग ऑन नहीं किया है तो आपको कोई भी बिल नहीं आएगा इसका। यहाँ से आपको कोई प्रोजेक्ट चूज करना है या आप नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन। उसके लिए हम लोग जाएंगे नीचे कंप्यूट सेक्शन में, कंप्यूट इंजन में। जैसे आप कंप्यूट इंजन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके सामने लिख के आ रहा है कि कंप्यूट इंजन इज गेटिंग रेडी। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा।
तो देखिए, हमारा कंप्यूट इंजन रेडी हो गया है। अब हम वीएम इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसमें आपको इंस्टेंस नेम देना है, स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर आपको रीजन सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एशिया साउथ वन मुंबई। और फिर आपको जोन सेलेक्ट करना है, कोई भी एक जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नीचे मशीन कॉन्फ़िगरेशन में आना है, सीरीज सेलेक्ट करनी है N1, मशीन का टाइप N1 स्टैंडर्ड 1। नीचे आएंगे, बूट डिस्क का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है। चेंज पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। मैं उबंटू सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसका वर्जन सेलेक्ट करना है, हम लोग उबंटू 20.04 LTS रखेंगे। नीचे आपको अपनी हार्ड डिस्क का साइज बताना है, जितने भी GB की हार्ड डिस्क रखना चाहो रख सकते हो। सेलेक्ट, ये 15 GB हार्ड डिस्क के साथ आपको उबंटू 20.04 LTS मिलेगा। फिर आपको नीचे आना है, फायरवॉल में दोनों फायरवॉल्स को अलाउ कर देना है। यहाँ से आप अपना बजट भी चेक कर सकते हैं। जैसे टोटल 21,406.50 रुपये मेरे को दिखा रहा है, $300 की वैल्यू जो रुपीज में है वो इतनी है। और ये आपका मंथली एस्टीमेट बता रहा है कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका मंथली जो चार्जेस हैं वो हैं $29.85 पर मंथ। तो जो आपको $300 मिले हैं ये उसी में से डिडक्ट होंगे हर मंथ। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट चेंज करते हो तो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये भी चेंज हो जाएगी। और नीचे देखेंगे, योर फ्री ट्रायल क्रेडिट विल बी यूज्ड फॉर दिस वीएम इंस्टेंस। ये जो इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हैं इसके जो भी चार्जेस होंगे वो आपके फ्री ट्रायल क्रेडिट में से डिडक्ट होंगे। जो आपको $300 का फ्री क्रेडिट मिला है उसी में से ये चार्ज करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करना है सिंपली। फिर ये देखिए, इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये लीजिए, आपका रेडी हो गया, आपका इंस्टेंस रेडी है, दिस इंस्टेंस इज रनिंग। तो इस टर्मिनल को अभी हमें एक्सेस करना है, तो हम टर्मिनल के थ्रू इसको एक्सेस करके देखेंगे। टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको सिंपली SSH पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई ब्राउजर विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए कनेक्ट हो रहा है, ये देखिए ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे अब आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सारी सिस्टम डिटेल्स हैं, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, कितनी प्रोसेस रन हो रही है, और यहाँ पे आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज हमें अपडेट की कमांड रन करनी है तो हम लिखेंगे apt get अपडेट। देखिए ये आपके OS को अपडेट कर रहा है। इस तरीके से आप कोई भी कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करके और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। लीजिए,
एग्जिट करने के लिए टाइप करना होगा एग्जिट, तो वो क्लोज हो गया है। तो देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है आपको प्री क्लाउड होस्टिंग में रजिस्टर करने के लिए। अब आपके पास एक डेडिकेटेड वर्चुअल मशीन अवेलेबल है 3.75 GB रैम के साथ और 15 GB हार्ड डिस्क के साथ, जिसमें कि उबंटू OS रनिंग है। तो इसमें अब आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो अपना, लाइक कोई वेबसाइट होस्ट करनी है या फिर आपको कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट करनी है, तो आप इजीली यहाँ पे क्लाउड पे होस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस मशीन में हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।